आईपीएल 2024 के पांचवें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस का महामुकाबला देखने को मिलेगा। आज डबल हेडर का दिन है, ऐसे में दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस अपने घर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। दोनों टीमों के बीच अगर पिछले पांच मुकाबलों की बात की जाए तो दो मुकाबलों में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है तो दो मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने फतह हासिल की है, वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच बल्लेबाजों को काफी रास आती है। मैदान बड़ा है, स्क्वायर बाउंड्रीज जरूर बड़ी हैं, लेकिन ये गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का लकी मैदान भी माना जाता है। यहाँ पर गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, विकेट पर बाउंस रहता है, जिससे कि आसानी से रन्स बनाना आसान होता है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो पहली पारी में यहाँ पर एवरेज स्कोर 180 रनों का है, यानी कि 200-225 रन शुरुआती दौर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि रात में ड्यू फैक्टर का एक बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर गुजरात टाइटंस प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शुभमन गिल की नई नवेली कप्तानी में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, 4 नंबर पर विजय शंकर, 5 नंबर पर डेविड मिलर, 6 नंबर पर राहुल टिवटिया, 7 नंबर पर राशिद खान, 8 नंबर पर मोहित शर्मा, 9 नंबर पर नूर अहमद, 10 नंबर पर उमेश यादव और 11 नंबर पर स्पेंसर जॉनसन खेलते नजर आ सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। वहीं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 सूर्य कुमार यादव के बिना थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये टीम काफी ज्यादा मजबूत है। रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं, 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेलते नजर आ सकते हैं, 4 नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करेंगे, 5 नंबर पर निहल बटेरा, 6 नंबर पर टिम डेविड बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, 7 नंबर पर मोहम्मद नबी, 8 नंबर पर जेराल्ड कोटजे, 9 नंबर पर पीयूष चावला, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर पर आकाश मधवाल खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात की जाए तो कप्तान के तौर पर ज्यादातर लोग राशिद खान को कप्तान बनाने की कोशिश करेंगे, वाइस कप्तान रोहित शर्मा को बनाया जा सकता है। वहीं विकेट कीपर पर ईशान किशन पहली पसंद होंगे। बैटर्स की बात की जाए तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और डेविड मिलर पर ज्यादा दारोमदार होगा। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या और मोहम्मद नबी पर यहाँ पर नजरें होंगी। गेंदबाजों की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, पीयूष चावला और मोहित शर्मा पहली पसंद होंगे ड्रीम 11 प्लेयर्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ केन विलियमसन, मैथ्यू वेड और यहाँ पर जयंत यादव को किस तरीके से इस्तेमाल करेगी गुजरात टाइटंस इम्पैक्ट प्लेयर में, ये देखने वाली बात होगी। वहीं मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो रोमारियो शेफर्ड, इसके अलावा ल्यूक वुड, श्रेयस गोपाल और नुवान तुषारा को किस तरीके से मुंबई इंडियंस अपने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तैयार करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है कि आज रात शुरू होने वाले 7:30 बजे से मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।